मुझे पागल बनाना चाहते हो? पगली को क्या पागल बनाना, वैसे तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। तुम थे मेरे पीछे, अचानक से मेरे सामने आए। तुम दिन रात मेरा पीछा करते हो, मुझे स्टॉक करते हो। डरती हो ना तुम? क्यों डरा रहे हो तुम मुझे? तुम ना पागल हो। तुम मुझे पागलपन की तरफ धकेल रहे हो, ये बता बता के डरा रहे हो कि मैं किसी वहम में हूँ, पर मैं सच में पागल होती जा रही हूँ। खतरे का आभास होना हर वक्त भ्रम नहीं होता। ये भी तो हो सकता है कि वाकई आप किसी की विकृत नजरों को अंदरूनी तौर पर महसूस करते हो और ये कोई सनक ना हो। ये भी तो हो सकता है कि आपको सच में किसी से खतरा हो और ये जरूरी हो कि आप हरदम सतर्क रहें। ओके सर, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम पे अपडेट हो रही है, आपको एक कंफर्मेशन SMS आएगा। एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? वेलकम सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ गुड डे। अरे नहीं यार, हाँ चल बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ पक्का, और सुन उससे बात कर ली और कॉल करके मुझे भी बता दियो। चल ठीक है, बाय। टेंशन, हमारे चेहरे पे दिख रहा है। ये देखो मैं क्या लाया। माय फेवरेट है यार, नो ना। निखिल, हम यहाँ पर लास्ट टाइम पिछले वेंसडे को आए थे ना? करेक्ट। क्यों, तुम्हें वो लड़का याद है, वो 16-17 साल का लड़का जो हमें फ्लास बेच रहा था? तुम्हें फ्लास चाहिए? ये इतनी नर्वसनेस फ्लास के लिए? सीरियसली तुम्हें याद नहीं, वो हमें कैसे फोर्स कर रहा था कि फ्लास ले लो, फ्लास ले लो। भैया ताजे लो ना, एक लो ना प्लीज, एक। नहीं यार थैंक यू। एक लो ना प्लीज, एक। बोला ना तुझे नहीं चाहिए। अरे लिसन, मैं क्या कह रहा था, मुझे ना मुंबई ऑफिस से ट्रांसफर का ऑफर आया। तो मुझे अब बता रहे हो इतनी कैजुअली? हां वो दैट्स बिकॉज़ यार अभी तक दीदी आप तो लो ना ये वाला। ओ भाई तेरे को प्यार से बोला ना नहीं चाहिए, आगे जाना यार। दीदी ये वाला लो ना, आपके ऊपर अच्छा लगेगा, लो ना प्लीज। नहीं चाहिए ना प्लीज, नहीं चाहिए। दीदी एक लोगे तो क्या होगा, लो ना प्लीज, लो ना। नहीं चाहिए। तेरे को बोल रहा हूं ना। निखिल रिलैक्स। हीट पड़ने की भी हद होती है। वो साला जिद्दी पिद्दी, वो क्यों याद आ रहा है तुम्हें? जब वो वापस जा रहा था ना, वो बार बार मुझे मुड़ मुड़ के दिख रहा था। प्रिया तुम इतनी हॉट हो यार, और वो बेचारा अभी अभी अपनी जवानी में एंट्री ले रहा है, नेचुरल है कि नहीं है? नहीं निखिल, उसकी लुक बहुत बहुत अलग थी, पता है, बहुत बहुत अजीब सी।
रिया, ये सब तुम्हारा वहम है। कोई भी ना तो तुम पर नजर रखे हुए और ना ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपने छोटे से दिमाग से ना डर को कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट कर दो। सीरियसली दीदी, आज तो नाम मत कहो। ओए, निकल यहाँ से। भैया आज एक तो लेना ही होगा। तुझे कहाँ ना नहीं चाहिए, निकल। निकल निकल, देखो वही लुक्स दे रहा है मुझे, देखो। अरे कहाँ दे रहा है यार, कोई लुक उक नहीं दे रहा है। इधर देखो, गरीब लड़का है यार, दूसरे गरीब लड़कों की तरह थोड़ा सा इरिटेटिंग है। नहीं, ये कोई नॉर्मल फूल वाला लड़का नहीं है, तुम्हें पता है किसी ने भेजा है मेरे पास। भैया अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये काम का स्ट्रेस भी ना। तुम एक काम करो, एक हफ्ते भर के लिए छुट्टी ले लो। नहीं सीरियसली, तुम्हारा ये वहम, ये डर, ये पैनिक, ये सब दूर हो जाएगा। यू नो व्हाट, योर ब्रेन नीड्स सम रेस्ट। निखिल आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। अच्छा सुनो ना, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। सुनो, मैंने मुंबई ऑफर के लिए हाँ कर दी। हाँ तो अब जल्दी मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, आई मीन वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। और पता है हाउसिंग वाउसिंग सब दे रहे हैं वो लोग। क्या कहते हो, अब हम दोनों का ना कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए। तुम यहीं रहोगी और तुम भी मुंबई ट्रांसफर होगी। मैं सोच रहा था ना, हम लोग को पेरेंट्स बात करके एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। क्यों प्रिया? प्रिया हाँ हाँ, सुन रहे हो? सुन रहे हो? क्या कह रहा था मैं? तुम कह रहे थे ना कि अब तुम दिल्ली ट्रांसफर हो रहे हो। बैठिए। मुझे नहीं चलना, आप जाइए। क्या हुआ मैडम जी, ये शेयर ऑटो है। हाँ बट मुझे नहीं जाना, आप जाइए। ऑटो ऑटो रुकना, चंद्रनगर चलेंगे। बैठिए। आगे तू कैसा रहा दिन? अच्छा था। ऑटो मिल गया था? चल तू चेंज करके आ जा, मैं खाना लगा दूँ ना। हाँ हाँ आती हूँ। हाँ तुझे भी भूख लगी होगी, जल्दी से आ जा चल। हाँ कोई नहीं है बेटा वहाँ, कोई नहीं है। प्लीज वो है वहाँ पर, खिड़की बंद करो प्लीज, खिड़की बंद करो। माँ बेटा तू बेकार में ऐसा सोच रही है, कोई नहीं है वहाँ पे। माँ वहाँ पे कोई खड़ा था, माँ पे मेरा पीछा कर रहा है। माँ बेटा ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? मैं ऑफिस में सब ठीक है। निखिल के साथ? हाँ माँ निखिल के साथ सब ठीक है। तो फिर ये माँ मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? माँ मुझे ऐसा लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरे पीछे खड़ा है। चलती हूँ तो ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा खड़ा है। माँ माँ सड़क पर, माँ ऑफिस में, और माँ आज तो खिड़की के बाहर वो मुझे घूर रहा था। माँ मुझे भी कोई आइडिया नहीं अंकल, कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा बिहेवियर रहा है उसका। निखिल कहीं कुछ हुआ क्या, कुछ बोला उसने तुमसे? नहीं अंकल
अभी तक तो कुछ नहीं। बार बार कहती है कोई पीछा कर रहा है, पुलिस के पास जाएं क्या? अंकल जा तो सकते हैं पर पुलिस से क्या कहेंगे? मुझे लगता है प्रिया को कोई वहम हुआ है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये वहम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोई ऑफिस स्ट्रेस होगा। मैं काम करता हूँ ना, उसके ऑफिस कलीग से कुछ पता करता हूँ। हाँ बेटा, तुम कल ही जाकर पता लगाओ। इन सब में प्रिया का दिमाग खराब हो रहा है और सच कहूँ तो हमारा भी। अंकल आप स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसा होता है कभी कभी, थोड़ा रिलैक्स करेगी तो दिमाग से वहम निकल जाएगा। प्रिया बेटा, इंटरनेट पे कुछ हुआ क्या? वो क्या फ्रेंड स्क्वेयर वेंड स्क्वेयर, तेरा झगड़ा हुआ क्या किसी के साथ? नहीं हुआ। कोई बुक पढ़ी? कोई डरावनी मूवी देखी? ना ही मैंने कोई बुक पढ़ी है, ना ही कोई डरावनी मूवी देखी, और माँ ना ही कोई इंटरनेट। मुझे बस लगा कि खिड़की के बाहर से कोई मुझे घूर रहा है पापा। और ऐसा तो मैं ऑफिस में लगा। हाँ। और घर आने के बाद भी? हाँ। प्रिया बेटा, एक ही आदमी ऑफिस में और फिर घर के बाहर भी, कैसे हो सकता है बेटा? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे हर वक्त कोई फॉलो कर रहा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा। कभी कभी बहन मायाजाल बन जाता है, लोगों को चीजें दिखने लगती है। मेरी वो राखी मौसी है ना बरेली वाली, वो भी ऐसी सनक गई थी, उनकी तो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करवानी पड़ी थी। मुझे नहीं लगता इस वक्त प्रिया को किसी साइकाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। निखिल कह रहा था अगर वो छुट्टी लेगी तो रिलैक्स हो जाएगी और वहम भी चला जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हे भगवान, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और अब ये। जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। दरअसल समस्या क्या थी? क्या वाकई में कोई बड़ी चालाकी से प्रिया का पीछा कर रहा था, या फिर प्रिया का दिमाग उसके साथ लुका छिपी खेल रहा था? इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला था, पर प्रिया जो महसूस कर रही थी वो बहुत ही विचित्र तरीके से सामने आने वाला था। कई जिंदगियां सर के बल उलटने वाली थी, खतरे की खाई में गुलाटियां मारने वाली थी। समस्या तो थी, गंभीर समस्या थी। 500 के पार्सल होंगे ना? होंगे, वो ले आएगा प्रसाद 500 का कैश शायद। वैसे भी ये क्लोज्ड ऑपरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ में एक छोटा सा बैग होगा बस। हाँ तो कल? कल। श्योर सर। सर मुझे आपकी एक ईमेल आईडी लगी। चंद्रनगर चलेंगे जी। बैठिए।
अरे भैया ये क्या हो रहा है? अरे अरे भैया हो क्या गया? पंक्चर। अरे अब कहाँ मिलेगा वीराने में रिक्शा? साहब वो आगे लेफ्ट के बाद सिग्नल है, वहाँ ऑटो स्टैंड है। वो वाला ऑटो स्टैंड? भैया चल कर जाने में कम आधा घंटा चला जाएगा। मैडम मेरे पास एक्स्ट्रा टायर है नहीं, गैराज से मैकेनिक आएगा पंक्चर निकालेगा, डेढ़ दो घंटे लग सकते हैं। अब मम्मी अपने किसी रिक्शे वाले दोस्त को फोन कर दो ना, बोलो उसको इमरजेंसी आ जाएगा यहाँ पे। मेरे साथ वाले इस वक्त सारे नाइट ड्रॉप के धंधे पर होंगे और इतना कोई खाली नहीं होता कि तुरंत यहाँ पहुँच जाए। मेरी बात मानिए तो आप लोग चलना शुरू कर दीजिए। रुको मैडम, उस ऑटो में पहले से दो पैसेंजर बैठे हैं लेकिन वो लोग एडजस्ट करने को तैयार हैं। आप लोग जाइए उसमें बैठिए। ओ भाई ओ, मैं पागल हूँ क्या? मैंने पाप किया? मैं कहाँ जाऊँगा रात को? रात का वक्त है, लेडीज है, इनको पहले पहुँचने दो। जाइए मैडम आप जाइए, वो आपको घर तक छोड़ देगा। तेरे ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए था। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें फोन कर रहा था। निखिल हम कल मिल रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारा कोई दूसरा प्लान है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम घर नहीं पहुंचे क्या अभी तक? क्या बताऊं, पहले तो ऑटो का टायर पंक्चर हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से दूसरा ऑटो मिला। प्रिया सब ठीक तो है ना? तुम डरी क्यों साउंड कर रही हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। मैं भी अभी पहुंचाऊंगा। अच्छा सुनो ना प्रिया, मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूं। ओके? नहीं बात करते रहो ना, मैं भी बस 10 मिनट में घर पहुंच रही हूं। हमने अभी रतन विहार क्रॉसिंग पास किया, शेयर ऑटो है। बाहर में कैसा रहा तुम्हारा दिन? मैंने अपनी सीनियर से बात की थी यूं ही कैजुअली मुंबई ट्रांसफर के बारे में। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन डाल दो, शायद कुछ हो सकता है। ऑसम यार, तुम एक काम करो ना, तुम कल ही एप्लीकेशन डाल दो, अगर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा ना। पर अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन डालने की बात है, कल जाके देखती हूँ क्या होता है। कौन? हेलो प्रिया, क्या कह रहे हो तुम लोग? चल उतर। क्या हुआ? प्रिया उतर। प्रिया वहाँ क्या हो रहा है? हेलो निकल। क्या क्या कौन हो तुम लोग? अच्छा आप लोग घूम जा रहे हो। सुनो लड़की, ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश की ना तो टुकड़े होंगे तेरे, सच में। नहीं प्लीज छोड़ो, प्लीज ओए चल, नहीं तो यहीं सड़क पे शुरू हो जाएंगे हम। चल नहीं नहीं जाने दो मुझे, कौन हो तुम लोग? सुनो लड़की, तेरी जुबान कभी भी खुली ना तेरा घर ढूंढ के खत्म कर देंगे, तेरे और तेरे घर वालों को, समझी? घर जाना नहीं तो काट दूंगा। हाथ बांध रहे तेरे, डर मत, यहाँ कुछ नहीं करेंगे तेरे को। आपको पर्स वॉलेट मोबाइल झोले ना ले लीजिए प्लीज, लेकिन मुझे जाने दीजिए। पर्स और मोबाइल के लिए इतनी प्लानिंग थोड़े ना की है, हमें हमारा काम करने तो समझी, मैं तो चाकू घुसे दूंगा सच्ची। कहाँ जा रहे हो? अभी तो आ रहे हो तुम। पापा वो प्रिया को कुछ हुआ है पापा। निखिल अरे बता दे क्या हुआ? कहाँ गया निखिल, क्या हुआ? पता नहीं, बोला प्रिया को कुछ हुआ, बस निकल गया। क्या हुआ प्रिया को? अरे वही तो बोल रहा हूँ, बिना बताए भाग गया। The number you are trying to call is currently switched off.
अभी तक तो नहीं पहुंची है, क्यों, क्या हुआ? अंकल वो ऑटो में थी, हम लोग की आपस में फोन पे बात हो रही थी, क्या अचानक कुछ हुआ? ऑटो में कुछ हुआ? कुछ हुआ का क्या मतलब? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, मगर एकदम से प्रिया चिल्लाई, बोली क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? अंकल मुझे लगता है प्रिया का किडनैप हो गया अंकल। क्या? यस अंकल, अंकल मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप ही के पास पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ, क्या कह रहा था निखिल, प्रिया को क्या हुआ? प्रिया को एक अंदरूनी फीलिंग थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और अब खतरा उसके बिल्कुल सामने था। क्या एक साजिश रची गई थी प्रिया के मन में डर भरने की? प्रिया किडनैपिंग केस इन्वेस्टिगेटिव टीम के लिए एक बहुत ही पेचीदा केस साबित होने वाला था। पुलिस के शक की सुई को प्रिया का वहम ही सुराग देने वाला था कि कौन हो सकता था इस अपहरण के पीछे, और हमेशा की तरह इस अपहरण का मकसद आखिर में ही जाकर सामने आया। एक लड़की को ऑटो में अगवा किया गया है, ऑटो नंबर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लड़की ने पिंक शर्ट और ग्रे कलर की स्कर्ट पहनी हुई है। नाकाबंदी सभी ऑटो वालों को किनारे करेगी, सभी चौराहों और सिग्नल्स के बाद नाकाबंदी बढ़ा दी जाए। ये नंबर मुझे तुरंत सर्विलेंस पर चाहिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर लोकेशन फ्लैश होना चाहिए। इस लड़की की सारी डिटेल्स हमारे सारे चैट ऐप्स पर शेयर करो। इसकी कॉपीज बनवाकर शहर के सभी थानों में भिजवाओ तुरंत। सर, सारी पेट्रोल टीम्स हाई अलर्ट पर हैं। प्रिया की फोटो और डिटेल्स कुछ ही सेकंड में फ्लैश हो जाएंगे। प्रिया ने और कुछ जिक्र किया था कभी, कोई धमकी दे रहा है या पीछा कर रहा है या और कुछ? जी नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट प्रिया को कुछ दिनों से कुछ वहम हो रहे थे। जैसे कि? सर, जैसे कि कोई उसे घूर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। तुम्हारी बात हो रही थी उससे ऑटो में? जी सर। कुछ और डिटेल्स दिए थे उसने? हाँ सर, उसने एक बार कहा था कि रतन विहार क्रॉसिंग निकल गया। मुझे आवाज़ से बहुत डरी लग रही थी सर, वो मुझे तो लगा कि वो अपना नर्वसनेस कम करने के लिए मुझसे बात कर रही है। डरी हुई क्यों थी? सर, उसने जो पहले ऑटो किया था उसका टायर पंक्चर हो गया था, तो उसने दूसरा ऑटो किया। सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे ऑटो में कंफर्टेबल नहीं थी। हर रोज एक ही जगह से ऑटो लेती है? जी, घर हमारा चंद्रनगर में है और उसका ऑफिस रिद्धि नगर में। अपनी एक टीम रिद्धि नगर ऑटो स्टैंड में भेजो, जिसका ऑटो पंचर हुआ था उठवा लो उसे। यस सर। कोई और खास इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी भी हो, हमारे काम आ सकती है। खौफनाक रात बीती, तनाव का सूरज उगा, पर प्रिया की कोई भी खबर नहीं थी। अलग अलग पुलिस थानों और पेट्रोलिंग टीम्स के बीच का कोऑर्डिनेशन जारी था। लखनऊ बड़ा शहर है और जो कांड हुआ वो किसी भी सूरत में छोटा नहीं था, और इस केस को सुराग तभी मिलता जब वो ऑटो रिक्शा ट्रेस होता जिसमें प्रिया को किडनैप किया गया था। शहर के छोटे से छोटे और माहिरों में माहिर खबरी को काम पर लगा दिया गया। प्रिया के अपहरण की खबर सोशल मीडिया के जंगल में आग की तरह फैल गई। रिद्धिनगर स्थित एलिस्टर कंसल्टेंट्स नामक बीपीओ की इम्प्लॉई 24 वर्षीय प्रिया सक्सेना का कल रात अपहरण कर लिया गया। पुलिस अभी तक न प्रिया को ट्रेस कर पाई है न ही अपहरणकर्ताओं को। शहर में आतंक की एक लहर दौड़ गई है। इस हादसे से पब्लिक में 16 दिसंबर 2012 की यादों का खौफनाक साया मंडराने लगा है। जी अच्छा। बार बार कहती रही कोई उसे घूर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसे डरा रहा है, और हम फहम फहम कहते रहे। सॉरी सर, मैं नहीं आ सकता, आप प्लीज मेरी कंडीशन समझिए। ओके ओके, हाँ मैं आपको फोन करता हूं ना। शो, मुझे मालूम है जी। सेल कोऑर्डिनेट ट्रेस करो ऑन प्रायोरिटी। अगर वो ऑटो वाला नहीं मिलता है, शहर में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन्हें उठाओ और तोड़ो। लड़की हमें सही सलामत मिलनी चाहिए चौहान। हम लगे हुए हैं, बहुत जल्द ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है। मैं जानता हूं सर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लेकिन लड़की सही सलामत मिलेगी सर। हर बीतता हुआ सेकंड हमारे रेपुटेशन को एक एक पायदान नीचे ला रहा है। सर, सर शहर का कोना कोना छान मारा है, पागलों की तरह सर्च जारी है। प्रिया के फोन की लास्ट लोकेशन? डिस्ट्रिक्ट जेल के पीछे सर, काफी सुनसान इलाका है। उस एरिया के क्लस्टर कोऑर्डिनेट्स निकलवाओ, जितने भी सेल फोन उस इलाके में एक्टिव थे सबको स्कैनर पर डालो। सर काफी स्कैनिंग कर रही होगी। गोयल, हम इस वक्त मीडिया और जनता दोनों के स्कैनर पे हैं। अगर एक्स्ट्रा आदमी लगते हैं तो हेडक्वार्टर से मंगवा लो, खबरियों के बजट बढ़वा लो, जो करना है करो, लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। जी सर।
गोयल, प्रिया का बॉयफ्रेंड निखिल बहुत जल्द मुंबई ट्रांसफर होने वाला है सर, प्रमोशन के साथ। तो फिर एक हमारे सेल का बायोडाटा भी बनना चाहिए इस लड़के का। सबसे पहले निखिल का बायोडाटा और उसके बाद प्रिया के सारे ऑफिस कलीग्स के बायोडाटा निकलवाओ। एक एक डिटेल हीरे की तरह तराशो, कोई ना कोई सुराग जरूर चमकेगा। किसी खास एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए आपको इंस्पेक्टर? सबकी डिटेल्स चाहिए, आपकी भी। श्योर सर, प्रिया हमारी बहुत वैल्यूड एम्प्लॉय है सर। उसके साथ जो भी हुआ उससे सिर्फ हमारा ऑफिस ही नहीं बल्कि पूरी बीपीओ इंडस्ट्री शॉक्ड हुई है। प्रिया तक पहुंचने के लिए जमीन आसमान एक किया जा रहा था और दूसरी तरफ प्रिया को उसके अपहरणकर्ता कहीं ले जा रहे थे। कौन थे ये अपहरणकर्ता और उनका मकसद क्या था? आखिरकार प्रिया थी कहां? सिर्फ खाने के लिए, चिल्लाना नहीं। कौन है तुम्हें? मुझे यहाँ क्यों लेके आया? सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर इस वक्त तुम्हें ताकत मिलनी चाहिए। लो खाओ, कम ऑन खाओ। जी अब तुम मुझे बता दो कौन हो तुम। अच्छा पहले तुम बताओ, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सपना त्रिवेदी। लो खाओ, कम ऑन। अब तो आप बता दीजिए कौन है आप लोग और मेरे साथ क्या करने वाले? और कितनी देर यार, मुझे भी नहीं पता है यार, बस वेट करना है तो करना है। प्लीज कुछ तो बता दीजिए। सपना, हम लोग किराए के लोग, लो तुम्हें उठाने के पैसे मिले हमें, बाकी कोई लेना देना नहीं तुमसे। शाम तक रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लो पानी पियो। आपको ना कोई गलत नहीं हुई है, मुझसे किसी को कोई फायदा क्या होगा? प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज कोई है बाहर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं तो बंदी हूँ, प्लीज हेल्प मी। बाहर वो जो दो लोग हैं ना, उनका इरादा रेप करने का है, पर हम तुम्हें रेप वेप करने के लिए नहीं लाए। वो तो वो दोनों चाहते हैं बोनस, पर मैं रोक रहा हूँ उन्हें। तुम्हारे उनके बीच ढाल बन के खड़ा हुआ हूँ मैं, समझी? मुझसे पंगा ना लो, चलो ये ख़त्म करो। अरे लो, और सुनो, टॉयलेट वॉयलेट जाना हो तो मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूँगा। आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आपको किसने भेज दिया मुझे यहाँ के लिए? सॉरी नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि तुम उस आदमी को जानती हो। सच पूछो तो मुझे तरस आता है तुम पर, इतना भी नहीं कि यहाँ से जाने दो। निखिल पुलिस स्टेशन जा रहे हो? जी नहीं पापा, वो एक दोस्त का फ़ोन आया था, उसको अर्जेंट पेपर्स देने हैं। वैसे मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा पर उनकी तरफ से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हेलो निखिल, PSI गोयल बोल रहा हूँ, तुरंत ही आ जाओ। एक ऑफिस का अर्जेंट काम है, निपटा के आता हूँ ना। प्रिया की ज़िंदगी से ज़्यादा क्या अर्जेंट हो सकता है निखिल? कुछ पता चला है क्या सर? क्या बात है? आ जाओ, बताते हैं। ठीक है सर। क्या हुआ निखिल, किसका फ़ोन था? मम्मी वो पुलिस वालों का फ़ोन था, बुला रहे हैं, कह रहे कुछ अर्जेंट है। निखिल के कॉलिकोर्स तो क्लीन है सर।
फोन रिकॉर्ड्स क्लीन होना सिर्फ मासूमियत नहीं चालाकी का सिग्नल भी तो हो सकता है गोयल। जी हाँ सर, वैसे भी ये निखिल प्रिया के ऑफिस टाइमिंग के अलावा उसके साथ लगभग हर आधे घंटे में टच में था, फोन ही SMS का थ्रू। और प्रिया को हर पल यही लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। 14 मार्च की रात को भी निखिल उससे फोन पर बात कर रहा था। ये निखिल कहीं प्रिया की मूवमेंट को ट्रैक तो नहीं कर रहा था? इस निखिल का कोई दूसरा नंबर भी है? क्लस्टर कोऑर्डिनेट से कुछ पता चला? जी नहीं सर, उस एरिया के क्लस्टर कोऑर्डिनेट के किसी भी फोन रिकॉर्ड में कोई रेड लाइन नहीं मिली। काफी नंबर स्कैन किया पर कुछ नहीं मिला। कहीं कुछ होगा तो मिलेगा ना गोयल, इस केस में फोन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, फिरौती के लिए एक कॉल तक नहीं आया अभी तक। वैसे प्रिया के पेरेंट्स के फोन भी कॉन्स्टेंट सर्विलेंस पर है। ये माजरा कुछ और है गोयल। क्या हो सकता है? प्रिया अपने माँ बाप से और इस निखिल से बार बार यही कहती रही कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। वहम हो सकता है, लेकिन आभास भी कोई चीज होती है कि कोई आपके बहुत नजदीक खड़ा है, करीब। मुझे लगता है प्रिया को अपने किसी करीबी से गलत वाइब्स मिल रहे थे शायद। पर सबसे करीब तो माँ बाप होते हैं। नहीं, वो नहीं, मेरा डाउट बॉयफ्रेंड निखिल, वो प्रिया के सबसे करीब था। और अक्सर जो सुराग दूर दूर तक नहीं मिलते हैं वो सबसे करीब मिल जाते हैं। ये पुलिस कर क्या रही है? निखिल से पूछताछ कर रही है। निखिल से? क्या आपको लगता है कि निखिल को इसके बारे में कुछ पता होगा? या उसने ही? मुझे नहीं पता है माँ, मुझे सिर्फ इतना पता है हमारी बेटी प्रिया कुछ दिनों से डरी हुई थी और हम उसके असली डर को जान ही नहीं पाए। कुछ नहीं करोगे लड़की के साथ, समझे? अब उसको ये ऐसे मिले या वैसे मिले क्या फर्क पड़ता है यार? लड़की मस्त है, तू क्यों बीच में आ रहा है? जो बोलना है बोल लो, पर मैं लड़की को टच नहीं करने दूंगा। उसको आने दो, उसको जो करना है करने दो। हमारा काम था लड़की को उठाकर यहाँ तक ले आना, वो हमने कर दिया। अब हम अपना पेमेंट लेंगे और यहाँ से फुट लेंगे। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मुझे ही पर शक है? मुझ पर शक कर रहे हैं ना आप लोग? क्यों ना करें, मुझे बताओ। सर मैं और प्रिया एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं, MBA कॉलेज में मिले थे, लव हो गया, और हम दोनों के पेरेंट्स को भी कोई एतराज नहीं है। हम दोनों तो अभी अपना करियर बनाने में लगे हैं ताकि आने वाले साल में शादी कर सके। अब आप ही बताइए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया का किडनैप क्यों करवाऊंगा? कोई और भी क्यों करवाएगा? मुझे क्या मालूम सर? हमें मालूम है, किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है और प्रिया के माँ बाप के पास कोई खास पैसे नहीं है। एग्जैक्टली, तो फिर क्यों? वही क्यों, हमने प्रिया के माँ बाप से बात की है, तुमसे पहले प्रिया की कोई खास हिस्ट्री नहीं है, कोई साइको प्रेमी टाइप्स? सर मेरी प्रिया की ऐसी वैसी कोई हिस्ट्री नहीं है, आप प्लीज उसे ढूंढिए, मेरी तरफ से जो कोऑपरेशन होगा मैं देने को तैयार हूँ। थोड़ा कोऑपरेशन प्रिया के साथ भी किया होता जब वो कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है। और आपको लगता है वो कोई मेरा आदमी था जो उसका पीछा कर रहा है? सर मुझ पे इतना शक क्यों? हमसे इतना डर क्यों? हम तो बेसिक से सवाल पूछ रहे हैं और तुम हो कि हर सवाल के साथ उछले जा रहे हो कि हम तुम पे शक कर रहे हैं। क्या बात है मिस्टर गुप्ता, ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? सर छुपा मैं नहीं रहा हूं, छुपा आप लोग रहे हैं अपना फेलियर। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, एक लड़की तो ढूंढी नहीं जा रही आपसे, और जब कुछ नहीं मिला तो बॉयफ्रेंड को फंसा दो। सॉरी सर मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, आप प्लीज प्रिया को ढूंढिए। बैठ जाओ निखिल। सर मैंने कहा बैठ जाओ। पता लिखो इस पर। मेरा पता है आप लोगों के पास? उस जगह का पता लिखो जहां तुम्हारे आदमियों ने प्रिया को कैद करके रखा है। आप लोग कंप्लीटली पागल हो गए क्या? केशव जी ये तो हद हो गई, वो लोग खामखा हमारे निखिल पर शक कर रहे हैं। देखिए हम लोग वहां पर जाएंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे। राजनाथ जी कोई गलतफहमी हुई है जरूर, मैं निखिल से बात करता हूँ। कैसे बात करेंगे केशव जी, उन्होंने तो उसे कस्टडी में ले रखा है। अरे सिर्फ एक फोन कॉल अलाउ किया उसे। टूट पड़ रहे हैं मुझे पापा, अब मुझे अभी कस्टडी में लेने वाले हैं, मेरा ये फोन भी छीन लेने वाले हैं पापा, आप प्लीज जल्दी जल्दी आ जाइए। बुरी तरह हिल गया हमारा निखिल। आप चिंता ना करें, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं अभी पुलिस स्टेशन आता हूँ। इन लोगों ने निखिल को क्यों पकड़ रखा है? उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी सर, या फिर प्रिया को 2 साल से गलतफहमी थी, शायद हमें भी।
मैंने तुम्हारी बातें सुनी। क्या सुना तुमने? कि तुम मुझे उनसे बचाओगे, उन दोनों से? पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। देखो प्लीज प्लीज मुझे घर वापस जाने दो। आई प्रॉमिस मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे घर जाने दो। पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, और होती तो एक हाथ की। और जो हाथ मुझे रोटी देता है, मैं उस हाथ से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें कौन रोटी देता है? तुमने कहा था ना कि मैं उस इंसान को जानती हूँ। प्लीज उसका नाम मुझे बता दो। प्लीज प्लीज लो खाओ, चलो खाओ। हमने निखिल को अरेस्ट नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया है। पर क्यों? अरे आप मेरे बेटे पर शक भी कैसे कर सकते हो? उसकी और प्रिया की शादी होने वाली है। सर निखिल मेरे बेटे जैसा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हैं। अगर सच में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। बदनामी का भी डर होता है इंस्पेक्टर। आपने तो उसे कस्टडी में ले लिया, लेकिन सोचा है दुनिया में बात फैलेगी तो उसके करियर का क्या होगा, हमारे खानदान के नाम का क्या होगा? बात नहीं फैलेगी राजनाथ जी। इस वक्त आप दोनों और हमारे अलावा किसी को नहीं पता कि निखिल हमारी कस्टडी में है, और उसे कोई लॉकअप वॉकअप में नहीं रखा है। उसकी पिटाई नहीं हो रही है, सिर्फ कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे सवाल? हमें भी पूछिए, हमें भी लीजिए ना कस्टडी में। ड्रामा करने से किसी की मदद नहीं होगी। हमें पूरा शक है कि निखिल को प्रिया की हर मूवमेंट की खबर थी। कैसे नहीं होगी, वो उसका होने वाला पति है। देखिए गुप्ता जी, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी के पति या पत्नी होते हैं, लेकिन एक मर्द और औरत के बीच जो होता है वो सिर्फ वही जानते हैं, प्राइवेट होता है। लेकिन जब कोई जुर्म होता है ना, तो उनकी प्राइवेट जिंदगी में घुस के हमें सुराग ढूंढने पड़ते हैं। कमाल है ये लोग। आप मेरी होने वाली बहू प्रिया को ढूंढने के बजाय मेरे बेटे को ही बलि का बकरा बना रहे हो। प्रिया को सारे शहर की पूरी पुलिस फोर्स ढूंढ रही है, और रही बात बलि के बकरे की, तो गुप्ता जी तो वक्त बताएगा कि बलि किसकी चढ़ी और बकरा कौन बना। नाम चाहिए। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, उसका नाम कहां से जानूंगा? किसका? वही जिसने मुझे तुम्हारी तस्वीर दी और तुम पर नजर रखने के लिए कहा। नजर? हाँ नजर। उसने मुझे और उन दोनों को पैसे दिए तुम पर नजर रखने के, और तुम्हें उठाने के भी। बुरा वक्त है, टल जाएगा। आप धीरज रखिए, आप ये मत सोचो कि मुझे प्रिया की कोई फिक्र नहीं है, और आप ये ना समझे कि हमें निखिल की चिंता नहीं। वैसे मेरे एक दो कॉन्टेक्ट है ऊपर के लेवल तक, पर मेरे तो नहीं है। होते तो प्रिया को ढूंढने में लगाए होते। बहुत नाइंसाफी हो रही मेरी निखिल के साथ। पता नहीं मेरी प्रिया के साथ में क्या हो रहा होगा उसके साथ। पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी, और पुलिस निखिल को भी जल्द रिहा कर देगी। पता इन्हें इनका काम करने देते। निखिल तो इस वक्त यही है ना, पर मेरी प्रिया पता नहीं वो कहां होगी। तुमने तो कहा था वो शाम को आने वाला है, अब तो रात हो गई है। फोन पर बात नहीं हो पा रही, शायद कल आएगा। तुम्हें उसका नाम पता ना? प्लीज उसका नाम बता दो। प्लीज मैंने तुम्हें बताया ना सपना, तुम उस आदमी को जानती हो, पर एक गलत आदमी से जुड़ी हुई हो। तुमने उसे मेरे साथ देखा है? वो लड़का याद है, फूल वाला? वो फूल वाला लड़का? वो फूल वाला लड़का। तुम्हें क्या लगा वो यूं ही तुम्हें देख रहा था? उस वक्त कोई और तुम्हारी फोटो ले रहा था। मतलब मेरा एक्चुअली कोई पीछा कर रहा था हर वक्त? हाँ सपना, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। उस पार्क में जाती हो तब, उस बेंच पर बैठती हो तब, वो किसी और से प्यार करता है।
तुम उसके रास्ते का महज एक काटा हो। सो हटा रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? पर निखिल ऐसा क्यों करना चाहेगा? तुमने कहा था ना कि निखिल किसी और लड़की के साथ, तुम्हें कैसे पता? मैंने बस इतना सुना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इन सब में शामिल है। पक्का मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ कि क्या? मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा सपना। प्लीज मुझे मेरे घर जा, प्लीज। अभी नहीं। निखिल के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो प्रिया को हर आधे घंटे में या तो एसएमएस करता था या फोन करता था। और कुछ खास नहीं सर। एमबीए किया है उसने गोयल, होशियार है। जिस फोन से मोहब्बत करता होगा उस फोन से साजिश नहीं करेगा। चेहरा और मुखौटा बड़ी चालाकी से अलग अलग रखता होगा। उसके घर के बाहर आदमी लगा दिए सर। ऑफिस के अंदर की भी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। चेहरा और मुखौटा बहुत जल्द अलग कर देंगे। लेकिन चेहरा दिखने के लिए मुखौटा उतारना पड़ेगा गोयल। और कुछ मुखौटे उतारे नहीं तोड़े जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। किससे बात कर रहे थे आप? वो एक कॉन्टेक्ट को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही अपने निखिल को बाहर निकाल सकते हैं। और उन्होंने हमारे निखिल को अंदर रखा क्यों? विद्या, ये सब मेरे समझ से परे है। मैं सोचता था कि निखिल और प्रिया के बीच सब अच्छा चल रहा है। अगर उन दोनों के बीच अच्छा ना भी होता, क्या आपको लगता है कि हमारा निखिल इतना बुरा काम कर सकता है? नहीं विद्या, कभी नहीं। हेमा, प्रिया ने कभी तुमसे कुछ कहा उसके और निखिल के बारे में? या तुम्हें कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है? नहीं, प्रिया ने तो ऐसी कोई हिंट नहीं दी कभी। पिछले कुछ दिनों से जो प्रिया को वहम हो रहे थे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इस सब में से उसे निकालने के लिए निखिल हमारी हेल्प कर रहा था। पुलिस कह रही थी कि हो सकता है निखिल ने जानबूझकर ये वहम प्रिया के दिमाग में डाला, उसे पागल बनाने की कोशिश की गई। कहाँ होगी हमारी बेटी? पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। सर मुझे यहाँ क्यों रख रखा है जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? तुम्हें डर किस बात का था निखिल, कि प्रिया तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या तुम्हारे गले पड़ जाएगी? क्या बकवास कर रहे हैं आप, मुझे किस बात का डर होने लगा? अरे डर तो प्रिया को था, उसे वहम था कि कोई उसका नॉनस्टॉप पीछा कर रहा है। तुमने उसका डर और वहम और बढ़ाया। क्या मकसद क्या था इस साजिश के पीछे? साजिश? सर मुझे लगता है अब आप लोगों को वहम हो गया है मेरे बारे में। प्रिया का डर जेन्युइन था तब तक तो हमें नहीं पता था ना, हमें तो वहम ही लगता था, मुझे और उसके पेरेंट्स को। हम लोग सिर्फ उसकी हेल्प करने की ट्राई कर रहे थे। तो कैसे की तुमने ये हेल्प? सर प्रिया मेरी होने वाली बीवी थी, मुझे फिक्र थी उसकी। मैं उससे दिन भर फोन पे टच में रहता था कि कहीं वो डरी हुई ना हो, डिप्रेस ना हो। लेकिन उसका डर तो और बढ़ता गया, शायद फोन पे तुम उसका डर बढ़ाते गए। देखिए सर, प्रिया के पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि हम प्रिया का डर नहीं समझ पाए। शायद कोई होगा जो उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन वो कोई मेरा भेजा हुआ आदमी नहीं था सर। अच्छा, इसमें कोई और लड़की भी शामिल है ना? लड़की? लड़की, गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नंबर दो। सठिया गए हैं आप लोग, पागल हो गए हैं। क्यों शक कर रहे हैं मुझ पर?
जब मैं आपको कह चुका हूं मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझ पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप प्रिया को क्यों नहीं ढूंढते? प्लीज प्लीज ढूंढिए उसे। पूरा निचोड़ने के बावजूद एक संदिग्ध से सुराग की एक बूंद नहीं निकली। पूरी कोशिश के बावजूद एक शिकार अपने असली शिकारी का चेहरा नहीं देख पाई। पूरी तरह से धीरज रखने के बावजूद एक जोड़ा अपनी इकलौती औलाद की फिक्र में टूट गया। पूरा भरोसा होने के बावजूद एक जोड़ा अपने लड़के पर लगे शक के दाग से व्याकुल हो गया। अपहरण का यह केस अंधी गली बनता जा रहा था, पर दो दिन बाद सुराग के अंत में रोशनी की एक किरण उमड़ आई। बोल अब्दुल। जनाब उगलवाना आपका काम है, पर हाँ एक चाय वाला है जो थोड़ा बहुत उबल रहा है। क्या कह रहे हैं बुलबुल? कुछ दिन पहले वो लड़की अगवा हुई है ना, प्रिया। कौन है चाय वाला? जनाब बंदे का नाम दिनकर शर्मा है, अपने डिस्ट्रिक्ट जेल से कुछ 15 मिनट की दूरी पर उसकी चाय की दुकान। प्रिया डिस्ट्रिक्ट जेल के आसपास से अगवा हुई थी और तुम्हारी चाय की दुकान भी वही है दिनकर शर्मा? क्या देखा था तुमने? साहब हमारी दुकान बंद करने का टाइम हो गया था तब वो वहां आई। भैया भैया मुझे कुछ नहीं हुआ। कौन लोग खतरनाक है, किसे उठा ले गए? कुछ नहीं जानते, मुझे बस मेरे घर जाना। तुम उसे घर तक छोड़ने गए? कहाँ रहती है वो, नाम क्या है उसका? नहीं साहब हमने नाम नहीं पूछा, ना ही घर तक छोड़ा। तो फिर कहाँ छोड़ा? ये थी? नहीं ये नहीं थी। तुम्हारे पास जो लड़की आई थी वो इस लड़की के साथ थी, हम इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। दिनकर हमें उस दूसरी लड़की के पास लेके चलो। बताओ कहाँ छोड़ा था उसे? हम तो उसे चौराहे तक ले गए और ऑटो पकड़ा दिया। कौन सा चौराहा? ऑटो का नंबर क्या था? वो डिस्ट्रिक्ट जेल के पास वाला चौराहा, और ऑटो का नंबर तो देखा ही नहीं। चौराहे पर जाकर उस ऑटो को दोबारा पहचानो हमारे लिए, दिमाग पर जोर डालो। गोयल इसे तुरंत लेके जाओ, वो ऑटो मिलेगा तो दूसरी लड़की मिलेगी, और अगर वो मिली तो इस कांड के बारे में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। शहर के हजारों ऑटोज में से उस एक ऑटो को ढूंढने की कोशिश नाकाम रही जिसमें प्रिया का अपहरण हुआ था और दूसरी लड़की को बाहर फेंक दिया गया था, और ना ही उस ऑटो का पता चला जिसमें उस इलाके के चाय वाले ने दूसरी लड़की को बिठाया था, और इसी वजह से दूसरी लड़की के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सर उस चौराहे पर कुछ ऑटोस फिक्स हैं और कुछ आते जाते रुकते हैं। वो चाय वाला ऑटो नहीं पहचान पाया? नहीं सर नहीं पहचान पाया। उस लड़की पर भी कोई लीड नहीं? नो सर। अगर वो लड़की मिलती तो हमारी बहुत मदद होती गोयल, क्योंकि निखिल तो मुंह नहीं खोल रहा है और फिरौती के लिए एक भी कॉल नहीं आया। सर फिरौती का कॉल तो तब आएगा जब कोई फिरौती चाहेगा, इस केस की मंजिल फिरौती नहीं लगती सर। तो मंजिल क्या है गोयल? रेप मर्डर क्या? निखिल के अलावा वो दूसरी लड़की इकलौती लीड है इस केस में। इस दूसरी लड़की के सुराग को भी अंधी गली का अंधेरा निकल गया। अब पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस अपहरण के रहस्य को खोल पाता। प्रिया की खबर के लिए जुर्म की दुनिया का हर दरवाजा खटखटाया गया, पर आखिरकार खबर ने खुद ही दस्तक दी अपनी मंजिल के दरवाजे पर। कहाँ जा रहे हैं आप? शांति रखिए। शांति शांति, 3 दिन हो गए हमारी बेटी को अगवा हुए और पुलिस क्या कर रही है? निखिल को पकड़ रखा बेमतलब से, आज मैं सबकी ऐसी खबर लेता हूं ना।
कब हुआ ये? ठीक है गोयल, प्रिया घर लौट आई है। प्रिया ठीक तो है ना? नहीं नहीं हेमा जी, हम बस पहुंच ही रहे हैं। अब शहर के ब्रेकिंग न्यूज में ताजा खबर ये कि 3 दिन पहले अगवा हुई बीपीओ एम्प्लॉय प्रिया सक्सेना अचानक घर वापस लौट आई हैं। इस रहस्यमय वापसी के बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिया के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। पुलिस ने भी इस केस में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। जाहिर है प्रिया अभी शॉक में है, लेकिन हमें एक बार प्रिया से बात करनी है, ये इस केस के लिए बहुत जरूरी है। अभी तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला, एक निवाला खाया तक नहीं है, एक घूंट पानी भी नहीं पिया, अभी वो किसी से क्या बात करेगी? सर, सारी प्रेस लौट गई है। देखिए अब आप लोगों को कुछ दिन तक कोई परेशान नहीं करेगा। देखिए सर, आप सिक्योरिटी की भी चिंता मत कीजिए, 24 घंटे हमारी टीम तैनात रहेगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो बेटी घर लौट आई तो निखिल को रिहा कर दीजिए ना प्लीज। हमें एक बार प्रिया से बात तो करने दीजिए, जानने तो दीजिए कि दरअसल हुआ क्या था, किसने उसे किडनैप किया, क्यों किया। अभी इस केस की बहुत सी कड़ियां जुड़नी बाकी हैं, आप प्लीज हमें प्रिया से बात करने दीजिए, बहुत जरूरी है। सर मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना है, मैं ठीक हूँ। अब प्लीज मुझे मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दीजिए। बेटा जिस दिन से तुम्हें उठा कर ले गए थे उस दिन से इन लोगों ने निखिल को बंद करके रखा है। निखिल? निखिल ने कुछ नहीं किया। आपने निखिल क्यों अरेस्ट किया? निखिल ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? मैंने कहा ना आपसे मुझे पुलिस केस नहीं चाहिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखो प्रिया, किसी के चाहने या ना चाहने से पुलिस केस नहीं होता है। केस दर्ज हुआ है तो हम अपनी कार्रवाई करके रहेंगे। सबसे पहले तुम्हारा मेडिकल होगा, उसके बाद हम तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे, और प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करो। सर मैं कोई मेडिकल नहीं करवाऊंगी, मैं ठीक हूँ। और निखिल ने कुछ नहीं किया, आप उसे अभी के अभी छोड़ दीजिए। सर आप देख रहे हैं प्रिया डिस्टर्ब है, अभी आप लोग जाइए, अभी बात नहीं कर सकेगी। सर प्रिया को समझाइए, जितनी जल्दी उसके किडनैपर्स पकड़े जाएंगे उतनी जल्दी ये केस खत्म होगा। लेकिन जब प्रिया सामने से बोली कि निखिल इसमें शामिल नहीं था, तो आप उसका विश्वास क्यों नहीं कर लेते? राजनाथ जी, हमारी आपके बेटे के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हमारे पास ठोस सबूत है उसे अपनी कस्टडी में रखने के लिए। लेकिन प्रिया ने आपके सामने उसे क्लीन चिट दी है। जी नहीं, उसने अपने अपहरण के बारे में और घर लौटने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब जब प्रिया बोलेगी उसके बाद ही हम निखिल को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन और कितने दिन? जितना जल्द प्रिया बोलेगी। लड़की घर वापस आ गई है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन असली खुशी तभी होगी सबको जब हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे, और उसके लिए मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द। बेटा हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे डर को वहम समझकर नजरअंदाज करते रहे, और देखो ना कोई वाकई तुम्हारे आसपास कुछ कर रहा था। जो कुछ भी हुआ है पुलिस को बता दो, वरना वो हमारे निखिल को रिहा नहीं करेंगे, वो तुम्हारा होने वाला पति है। निखिल तुम्हारे साथ कभी ऐसे कर ही नहीं सकता ना। अगर मुझे पता है निखिल ने कुछ नहीं किया। सर प्रिया अभी शॉक में है, कुछ बोल नहीं रही है। वेल चौहान, मेडिकल चेकअप कोई ऑप्शनल तो है नहीं। अगर लड़की के माँ बाप उसे मेडिकल चेकअप के लिए तैयार नहीं कर सकते तो हमें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेकर वहां जाना होगा, और वैसे भी लड़की घर वापस आ चुकी है, तुमसे बात कर चुकी है, तो फिर मेडिकल चेकअप भी करवा सकती है या फिर हम करवा सकते हैं। सर बहुत अजीब बात है, उसका बॉयफ्रेंड मंगेतर ही समझिए हमारी कस्टडी में है, और वो सिर्फ इतना कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया है, पर केस के बारे में कुछ भी नहीं बता रही। चौहान तुम्हें शक था ना कि लड़का कुछ छुपा रहा है? एब्सोल्युटली सर। और मुझे शक है कि ये लड़की भी कुछ छुपा रही है। बहुत अजीब है प्रिया का बिहेवियर, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताने की बजाय वो एक ही लाइन कह रही है कि निखिल शामिल नहीं था और उसे पुलिस केस नहीं करना है। सर हमें शुरुआत से लग रहा था कि प्रिया के अपहरण के पीछे निखिल है, कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये सारा किया धरा खुद प्रिया का ही है, कोई डरा रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, और फिर खुद की किडनैपिंग हो सकता है।
कोई बात नहीं गोयल, बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि प्रिया सच में डरी हुई है या डरने की एक्टिंग कर रही है। तुम अगर मेडिकल के लिए राजी नहीं होगी तो वो लोग बाई ऑर्डर भी करा सकते हैं, जो वो पुलिस को बता दो। प्लीज प्लीज बेटा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। पुलिस को नहीं तो कम से कम हम लोगों को तो बताओ। पट्टी बंधी हुई थी और फिर कुछ देर बाद ऑटो रुका। मुझे ये याद नहीं कि कहां आंखों पे पट्टी के साथ उन्होंने मुझे ऑटो से बाहर लाया और फिर चलने को कहा। सर मुझे बस इतना याद है कि वो जो रास्ता था वो काफी खराब था, काफी उबड़ खाबड़ था। काफी जलाया उन्होंने और फिर एक रूम में आकर मेरी पट्टी खोली। मुंह खोल रहा हूँ सिर्फ खाने के लिए। सर मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने झूठ बोला। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सपना त्रिवेदी। और उसने मान भी लिया। उसके बाद वो मुझे सपना कहकर ही पुकारता था। काफी डिसेंट आदमी था, मतलब मुझसे तमीज से पेश आया, खाना पीना सब। तुम उस आदमी को पहचान सकोगी? सर आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। और बाकी दोनों? उन दोनों को मैंने उतने ठीक से नहीं देखा। ये आदमी उन दोनों को रूम के बाहर ही रखता था। वो कहता था कि ये बोलो बेटा, डरो मत। वो कहता था कि वो दोनों मेरा रेप करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं देगा, उसने ये भी कहा। और सब वाकई में ऐसा हुआ। उसने मेरा ख्याल रखा और एक बार भी कुछ गलत नहीं किया। सर जैसे कि मैंने कहा, ही वाज अ डीसेंट मैन। इतना डीसेंट आदमी और किडनैपर, कोई मजबूरी बताई उसने अपनी? तुम्हें किडनैप करने का कारण बताया? हाँ। क्या बताया? पहले तो उसने ये बताया कि मेरी किडनैपिंग के पीछे मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ है। अच्छा उसे निखिल का नाम तक नहीं पता था। जिसका नाम मालूम नहीं था उसका नाम लिया? सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने दूसरी बार कुछ और ही कहा। क्या? सर उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पॉइंट आउट किया था किडनैपर्स के लिए। और सर फिर उसने ये भी कहा कि लोग निखिल को भी मारने वाले हैं। लो, है ना? किसी और से प्यार करता है वो। तो तुम उसका नाम क्यों नहीं बताते मुझे? बोला ना तुम्हें, मुझे नहीं पता सपना। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि उस दूसरी लड़की का बाप उनके रिश्ते के खिलाफ है। चीटर है तुम्हारा बाप, एक तरफ तुम एक तरफ वो। और उस लड़की के फादर है ना, उसी की प्लानिंग है। वही तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मरवाना चाहते हैं। लो देखो, तुम आदमी जो भी कोई हो, तुम अच्छे हो, ये तुम भी जानते हो। प्लीज प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मैं प्रॉमिस तुम्हारा ये साल जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्रॉमिस। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। काश मेरे पास भी एक अच्छा जॉब होता। ये सब काम मैं सिर्फ पैसे के लिए करता। तुम मुझे कैसे मानोगे? तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझे बचाओगे, है ना? हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसलिए तो तुम्हें उन दोनों से दूर रखा हुआ है। वरना वो दोनों तो चाहते हैं कि तुम वैसे भी मरने वाली हो, क्यों ना तुम्हारे साथ। हर मिनट लगता था कि वो दोनों अभी आएंगे
अभी आएंगे फिर, अगली सुबह वो खुद आया। मुझ पे भरोसा करती हो? भरोसा करती हो? हाँ हाँ, तो बस कुछ बोलना नहीं, कुछ पूछना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचने में हेल्प करूंगा, चलो। और तुम्हारा बैग मेरे पास, मैं तुम्हें हाईवे तक ड्रॉप कर दूंगा, वहां से तुम्हें बस मिल जाएगी, वहां से तुम सीधे घर जाना। यहां से तुम्हें आधे घंटे में लखनऊ के लिए बस मिलेगी, वहां से ऑटो पकड़ के सीधे अपने घर चली जाना, ध्यान रखना अपना। तुम हो कौन? नहीं बता सकता, बस अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना सपना, मुझे खुशी होगी जानकर कि तुम सही सलामत अपने घर चली गई, हमेशा खुश रहना। बस मिली, मैं उसमें चढ़ गई। बस में बैठने के बाद मुझे पता चला कि जिस जगह पर वो मुझे लेकर गए थे वो कानपुर के पास थी। मैं तो घर भी फोन नहीं कर सकती थी, उन लोगों ने मेरा फोन मुझसे छीन लिया था। बस से उतरते ही मैंने सीधे ऑटो किया और मैं घर आ गई। उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं सर। सर सर, प्रिलिमिनरी मेडिकल रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट नेगेटिव है। प्रिया भी यही कह रही है कि उन लोगों ने इसके साथ कुछ नहीं किया। गोयली माजरा क्या है? सर प्लीज, अब तो निखिल को छोड़ दीजिए सर, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है प्रिया? जिस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक किया, तुम्हें सही सलामत घर लौटने दिया, उसी ने तुमसे कहा ना कि इसमें निखिल इन्वॉल्वड है। बट सर उसने ये भी तो कहा कि वो निखिल को भी मारने वाले हैं। लेकिन प्रिया तुम्हें कैसे पता कि जो बात उसने पहले कही थी वो सच नहीं थी? सर बस मुझे पता है कि ये बात सच नहीं है। उसने पहले एक बात बोली फिर दूसरी बात बोली, आदमी वो अच्छा जरूर था पर वो सच्चा नहीं था, मानती हो ना? नो आइडिया सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कोई मेरा इसमें नाम क्यों लेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, और प्रिया तो क्या सर, मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देख, हमें 3rd degree इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं है, पर जब रिजल्ट नहीं आते ना तो डंडा बाहर आता है। जब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, आप मुझे पीटोगे भी तो क्या बाहर निकलेगा? 30 लाख लोगों का शहर अपना लखनऊ, और उनमें से उन लोगों को सिर्फ तेरा ही नाम मिला। सर कोई दुश्मन ही निकाल रहा होगा मुझसे। उस दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम बता निखिल, कारण बता इस अपहरण का, बोल। बस सर बस, मैं और नहीं झेल सकता ये पागलपन। मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में एक ही लड़की और उसका नाम है प्रिया। मैं प्रिया से बहुत मोहब्बत करता हूं। सो वो आदमी अच्छा था, मेरे लिए सिर्फ ये बात मायने रखती। अब उसने पहले निखिल का नाम लिया और फिर चेंज किया, ये सब मायने नहीं रखता। मुझे उससे या किसी और से निखिल की कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो प्रिया? तो उसको मेरा नाम तक नहीं पता था। मैंने उसे कहा कि मेरा नाम सपना है और उसने मान लिया, और उसे निखिल का नाम तक नहीं पता था। सर वो आदमी सिर्फ गेम खेल रहा था और मैं भी वो गेम खेलती गई। कैसी गेम? सर वो बचाने वाले का रोल प्ले कर रहा था और मैं बचने वाले का। सर मैं बस वहां से भागकर निकलना चाहती थी, अपनी जान बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे पूरा यकीन दिला दिया कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि वो मुझे बचा रहा है। जबकि सच बात यह है कि सर वो मुझे बचा ही नहीं रहा था, एटलीस्ट रेप से तो नहीं। क्या मतलब? सर वो आदमी अच्छा था पर झूठ उसने भी बोला था, और वो जो दो आदमी जो रूम के बाहर खड़े थे जो मेरा रेप करना चाहते थे, वो अक्सर जोर जोर से बातें किया करते थे ताकि मुझे सुनाई दे। देखो तुम लोग लड़की को टच नहीं करोगे, समझे? अबे यार, उसको लड़की ऐसे मिले या वैसे मिले क्या फर्क पड़ता है? और तू बड़ा हीरो बन रहा है, मस्त माले बीच में क्यों आ रहा है? जो बोलना है बोल लो, पर मैं लड़की को छूने नहीं दूंगा, समझे? वो तीनों आवाजें उसी एक आदमी की थी, उस अच्छे आदमी की। तुम लोग लड़की को टच नहीं करोगे, समझे? अबे यार, उसको लड़की ऐसे मिले या वैसे मिले क्या फर्क पड़ता है? और तू बड़ा हीरो बन रहा है, मस्त माले बीच में क्यों आ रहा है? जो बोलना है बोल लो, पर मैं लड़की को छूने नहीं दूंगा, समझे?
और तुमने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा? मैंने उस आदमी को लगातार 3 दिन तक देखा और बार बार देखते देखते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उस आदमी को कहीं देखा था। कहाँ? मैं ऑफिस से वापस घर आने के लिए शेयर ऑटो लेती हूँ और मैं उसी ऑटो में बैठती हूँ जिसमें कोई औरत हो। कुछ दिन पहले मैंने एक ऑटो किया था लेकिन मैं उसमें बैठी नहीं क्योंकि एक आदमी बैठा हुआ था। अब मुझे नहीं चलना, आप जाइए। और फिर एक और ऑटो है, ऑटो जिसमें एक लड़की बैठी थी। चंद्रनगर चलेंगे। देखिए उस ऑटो का जो ड्राइवर था वो शायद यही आदमी था। उसी रात मुझे लगा था कि कोई विंडो के बाहर से मुझे घूर रहा था, सड़क पर से। सर वो कौन था, ऐसा क्यों कर रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। लेकिन सर मुझे इतना पता है कि उसकी सारी बातें झूठी थी। सर निखिल इज इनोसेंट, प्लीज बिलीव मी। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। तुमने उस आदमी को इतने करीब से देखा है तो तुम हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता दो। सर आप प्लीज निखिल को रिहा करेंगे ना? उस स्केच के बेसिस पर हम उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे प्रिया। पता तो चले उसने अपहरण क्यों किया, ये 3-3 आवाजों वाली नौटंकी क्यों खेली, इतने झूठ क्यों बोले और आखिर में तुम्हें एकदम से छोड़ भी दिया। राजीव अब क्या करने का इरादा है? यहाँ से निकल लेते हैं। और क्या, कहाँ? जहाँ गर्मी कम और सुकून है। सुकून? अबे राजीव ये क्या सर्कस था बे? क्यों किया ये सब कुछ? समझाएगा? समझाना जरूरी है। जरूरी ताले तेरे साथ ना हम दोनों का भी जनाजा उठेगा, समझा? प्रिया के बताए गए हुलिये के मुताबिक तुरंत उस आदमी का स्केच तैयार हुआ और हर पुलिस स्टेशन, खबरी और आरटीओ में भी भेजा गया और रिजल्ट मिला। ये आरटीओ ने भेजा सर, राजीव कंसल ने 8 महीने पहले ऑटो रिक्शा खरीदा था, उसका रजिस्ट्रेशन किया था। मतलब ऐसा आदमी एक्चुअल में है, किसी की सनक या वहम नहीं है। सर सर ये तो वही आदमी है पापा। राजीव कंसल नाम है इसका, कानपुर में रहता है, बहुत जल्दी धर लेंगे इसे हम। सब आप तो निखिल को रिहा कर दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। एक बार इस राजीव कंसल को हाथों लग जाने दीजिए। I'm really very sorry निखिल, ये सब मेरी वजह से। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ना तुम उस आदमी को जानती हो ना मैं जानता हूँ, और गॉड नोज उसने मेरा नाम क्यों लिया, और उसने मेरा नाम लेने से पहले पुलिस ने मुझ पर क्यों शक किया? सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बोलिए। राजीव कंसल RTO 4 में तो यही एड्रेस है, हम लखनऊ पुलिस से। अब क्या कर दिया इस राजीव ने? क्यों और क्या क्या किया इसने पहले, क्या लगता है तुम्हारा? छोटा भाई है। बुलाओ से। नहीं है सर, बाहर गया है। कहाँ? साहब राजीव की जुम की हिस्ट्री पर किताब लिखी जा सकती है। पहले रिमांड होम, फिर 18 साल के बाद जेल के अंदर बाहर। साहब बहुत सारे जुर्म में हाथ डाल चुका है ये, चोरी डकैती मर्डर सब। 2014 में दिव्यापुर जेल तोड़कर भागा, इसको पकड़वाने पर तो इनाम भी है। जी सर। गोयल राजीव कंसल की सारी हिस्ट्री है मेरे सामने, जुर्म में मास्टरी की है इसने। एजुकेशन में भी मास्टरी थी इसकी सर, स्कूल कॉलेज में टॉपर रह चुका है। तुमने धर लिया इसे? धरने जा रहे हैं सर, यहीं कानपुर के किसी लॉज में छुपा हुआ है। तो इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में किसने बताया तुम्हें? उसी के बड़े भाई ने सर। राजीव की बेल करा करा कर थक गया हूँ सर। यकीन मानो हम हमेशा के लिए तुम्हारी थकान मिटाने के लिए आए। बोलो कहाँ है वो? किसी लॉज में, एक हफ्ते पहले फोन किया था, बोला पैसा चाहिए। मैंने कहा घर आ जा, मेरा प्लान था कि जैसे ही घर आएगा यहीं की पुलिस के हवाले कर दूंगा। लॉज का नाम क्या है? यही कानपुर में ही किसी लॉज में है, नाम तो नहीं पता। तो मैं मालूम था प्रिया सक्सेना केस में इसी का हाथ है? नहीं सर, जैसे ही ये केस न्यूज में आई तो सनसनी मच गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजीव इसमें शामिल हो सकता है। क्या राजीव पहले भी किडनैपिंग कर चुका है? क्या बताऊँ सर, पढ़ा लिखा लड़का है, दिमाग एवरेज 10 गुना ज्यादा तेज चलता है। क्या कर सकता है क्या नहीं कोई नहीं जानता, शायद वो खुद भी नहीं। सर खबरी नेटवर्क के थ्रू लॉज का नाम पता चल गया, हम वहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ तो पूरा उल्टा पड़ गया राजीव। विकास 50% चांस था कि सीधा पड़े, पर चूंकि हमने ट्राई किया कम से कम चांस तो बना, और वैसे भी कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता है।
डीप बातें शायद तुम नहीं समझोगे। समझना उमझना अपनी जगह है यार, यहाँ अपनी जान प्या पड़ी है, करना ही नहीं चाहिए था ये पागलों वाला कांड। ऐसी नेगेटिव बातें नहीं किया करता, वैसे भी कभी अपने किए पे पछताओ मत। जब दुनिया एक मायाजाल है तो सब कुछ करना जायज है। मैं पहले से क्लियर कर दूं, ना तो मैं तुम्हारी तरह अच्छाई के शहद से लदा हूं और ना ही दया के दूध में धुला हूं। इसमें बताने की जरूरत क्या है सर, इस सिचुएशन में मैं कई बार रह चुका हूं। तो फिर उम्मीद रखता हूं कि तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्यों, उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है सर? नहीं राजीव, दिमाग का ऑटो रिक्शा मत घुमा, सीधा रास्ता पकड़। तुझसे एक सवाल पूछा है, क्यों? सर चूंकि मुझे उसका नाम पता नहीं है और आप मुझे उसका नाम बता नहीं रहे, तो मैंने उसको एक नाम दिया है, वो। और वो जो है, नहीं राजीव नहीं, वो जो है उसका दिल भर गया था उस लड़की से और उसने मुझे एक अजीब किस्म की सुपारी दी उसका पीछा करने की, तो मैं उसका पीछा करने लगा और वो ऑटो मैंने उसी के लिए खरीदा था ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूं। तो तू ये कहना चाह रहा है कि तूने ये सब कुछ प्रिया के बॉयफ्रेंड के कहने पे किया? मेरे लिए तो सपना है सर। लेकिन ये सपना नहीं है, तेरी बकवास यहाँ नहीं चलेगी। याद रख राजीव, मैं तेरे लिए बहुत बुरी खबर हूँ। बुरी खबर तो लड़का था सर सपना के लिए, वो बहुत अच्छी लड़की, पर वो साला आया ही नहीं उस रात हमारे पास। तुझे कैसे पता कि उस रात ऑटो पंचर होने वाला है, या ऐसे ही चांस लिया? चांसेस सोच समझ कर लिए जाते हैं सर साइंटिफिकली, और उस रात ऑटो का पंक्चर होना कोई चांस नहीं था, मैं उस ऑटो का पीछा कर रहा था। स्पीड कर कासिम, और स्पीड। चल भाई जल्दी वापस ले, थोड़ी देर में वापस यहीं लौटना है। उसका ऑटो पंक्चर हुआ क्योंकि मैंने चाहा, फिर प्लान के मुताबिक हमने लड़की को उठा लिया, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है सर। तूने उस लड़की की सुपारी ली लेकिन पूरी नहीं की, क्यों? बताया ना आपको सर, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो लड़का उसके लायक नहीं था, वैसे भी डर गया था साला, पहुंचा ही नहीं वहां पे, इसलिए मैंने सोचा लड़की को चांस देना चाहिए, तो जाने दिया। सर सर फिर आए सनकी है, यहां फिर हम सबको सनकी बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं इसकी किसी बात का विश्वास नहीं कर सकता गोयल, ये फिर से कोई स्टोरी बना रहा है और असल स्टोरी कुछ और ही है। सर बाकी दोनों तो नेट प्रैक्टिस में आउट हो गए, उनका कहना है कि वो दोनों इसमें सिर्फ राजीव के कहने पे शामिल हुए, दोनों छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं। इसे कहाँ मिले वो दोनों? दिव्यापुर जेल में, जब राजीव जेल तोड़कर भागा तो ये दोनों भी उसके साथ भाग लिए, बस तभी से एक किस्म का गैंग है ये। साहब सबकी तरह हम भी पैसों के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन एक पैसा नहीं मिला इसमें हमें, वो लड़की ही गलत थी। गलत लड़की? उन्हें कैसे पता कि प्रिया गलत लड़की है? साहब राजीव ने हमसे बोला था कि उसने एक लड़की पहचानी है जो दो नंबर के पैसों का व्यापार करती है, बोला करोड़ों में खेलती है और लखनऊ की किसी बीपीओ में नौकरी भी करती। फिर 5 खो के पार्सल होंगे ना? वो ले गए प्रसाद, 5 खो का कैश शायद, वैसे भी ये क्लोज्ड ऑपरेशन है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने साथ एक छोटा सा बैग लाएगी। हाँ तो कल? कल। इस लड़की के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम था, ना नाम ना शक्ल ना कुछ, बस राजीव ने बोला तो उठा लिया उस प्रिया सक्सेना को। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमें पता चल गया
कि काम में बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। लड़की का नाम क्या है? सपना, बताया था ना उस लड़की का अपहरण पूरे न्यूज चैनल पर है, फोटो दिखा रहे हैं उसका, नाम भी बता रहे, प्रिया सक्सेना। अच्छा सही है, सही कैसे हो सकता है? अरे कौन से सपने में डूबा हुआ तू और हमें को डुबा रहा है इसमें? देख तूने बोला था 5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन वो लड़की तो एक टुच्चे से बीपीओ में खून पिघलाती है यार। 5 करोड़ तो इसका कोई 5 जन्म ही नहीं देखा। हो सकता है मैंने किसी गलत लड़की की ओर इशारा कर दिया। ऐसे कैसे गलत लड़की पर इशारा कर दिया? देखो भाइयों शांति रहो, ऐसे बिना पानी की मछलियों की तरह फड़फड़ाओगे तो हम में और उन 2 टके के क्रिमिनल्स में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ कुछ मिलकर सोचते। पट्टी उस लड़की की आंख पे बंधी थी, लेकिन असल अंधे तो हम थे साहब, कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। और फिर 3 दिन के बाद राजीव ने उसको एकदम से रिहा कर दिया। ये आदमी है क्या, कर क्या रहा है? राजीव कंसल, तूने आज तक बहुत से पुलिस वालों का सामना किया होगा, लेकिन एक बात पक्की है कि आज के बाद तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि तेरा मुंह ही नहीं बचेगा, फोड़ दूंगा। मत मारिए सर। तो चल अपना गेम बता। बोल। सब कुछ सच तो बता दिया सर, वो बॉयफ्रेंड भी आपके पास है, अब और क्या कहूं? उसके बॉयफ्रेंड का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है तुझसे, असली निशाना कोई और था, कम से कम प्रिया तो नहीं थी, कोई दूसरी लड़की थी ना? कोई दूसरी लड़की नहीं थी सर। तो फिर प्रिया क्यों? तूने तो अपने साथीदारों को भी धोखा दिया, तुझे तो प्रिया का असली नाम तक नहीं पता था, उसने सपना कहा और तूने मान लिया। बेचारी सेफ खेल रही थी इसलिए सपना कहा, डर गई थी ना। वैसे भी मुझे बहुत जल्द पता लग गया था उसका नाम प्रिया है सपना ने, पर मैं नाराज नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तो कभी उसे तकलीफ देना चाहा ही नहीं। अपहरण कोई मजेदार पिकनिक नहीं होता, तकलीफ होती है उसमें, फिर क्यों? क्यों? प्यार में वो ताकत होती है सर, मुझे उससे प्यार हो गया था पहली नजर में। एक अजीब सी फ्रेशनेस थी उसमें, प्योर क्लीन ऑक्सीजन की तरह। आपको पता है मैंने चोरी की, डकैती की, कभी प्यार नहीं किया, वो टाइम करेक्ट लगा, सोचा आप कर लो। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, मैं तो बस उसके करीब जाना चाहता था, उसे जानना था, बातें करनी थी, उसकी सांसें महसूस करनी थी, करीब से स्मेल करो, बहुत मीठी सांसें चलती हैं उसकी। रियली मैं तो उसके साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। दुख हुआ जब ये पता लगा कि प्यार की तो एडवांस बुकिंग हो गई है। तो वो तू था जो निखिल को रास्ते से हटाना चाहता था? सोच के तौर पर हाँ, पर प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं। रूमी का एक बहुत पुराना फलसफा है, अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसे जकड़ो मत, जाने दो, लौट आई तो आपकी, नहीं लौटी तो कौन सी आपकी थी। बहुत डीप हकीकत है ये, है ना? मुझे तो दिल से खुशी है कि अपने चाहने वालों के बीच है, और उसे वहीं होना था, मैं तो उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता था और ना किसी को करने देता। आई एम सॉरी निखिल, बहुत खेद है मुझे। किस बात का खेद है सर आपको? कि मैं क्रिमिनल नहीं निकला, मतलब अभी टाइम है, और कोई बहाना ढूंढिए, रखिए 2, 4, 6 साल, महीने जो भी। मैंने कहा ना, फिर से कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, माफी कबूल करो, तुम जा सकते हो।
राजीव के कबूल नामे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। प्रिया तो विश्वास ही नहीं कर पाई। राजीव और उसके दो साथियों को आईपीसी की धारा 364 के तहत हत्या के इरादे से अपहरण के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल साजिश के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। एक बीमार विकृत मस्तिष्क के ऑब्सेशन ने एक आम लड़की, उसके बॉयफ्रेंड और दोनों के परिवारों में हाहाकार मचा दिया। शुक्र है कि प्रिया सही सलामत घर लौट आई, लेकिन प्रिया को एक नॉर्मल जिंदगी बसर करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ऑब्सेशन यानी सनक दो धारी तलवार है। अगर ऑब्सेशन किसी अच्छी चीज का हो तो वो इंसान को ऊंची से ऊंची चोटी पर कब्जा करने का फोकस देता है, लेकिन नेगेटिव सनक खतरा है दुनिया के लिए और उस सनकी के लिए जो गलत बातों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहा है। डर का मैनेजमेंट एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर कोई छोटा सा डर बार बार उठता है तो उस डर को सच मानकर एकदम से पैनिक मोड में जाना समझदारी नहीं है, पर सिर्फ इसलिए कि डर अटपटा लग रहा है उसे वहम या हेलुसिनेशन या फिर माया जाल समझकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।